ये भैरों आई हो दो संख्य की ये भैरों पर लगा ही था ये भैरों तो नहीं सर कन के भी भैरों आया था ले ले लगाओ हाँ लगाओ मेरे पास भी ले आ गए मैं खूब फिर आऊंगा तो बल्कि सही लगाई ना मैंने तो कितना बार आई तो मैं लगाऊ कैसे ले मेरे भी जरा भी ले जाना बाजी सब सामान अब ये थैला ले हाँ हाँ मिल जाएगा बाजी हाँ हाँ कोई बात नहीं ये तो निकाल देना सिमो का हाँ हाँ अच्छा चल फूफू का आ पर मैं मरो घर जल तू हीरा सब चल देना तुम लोग भी तुम नहीं चल कोई नहीं तो जा जा तो मटवाड़ कहेगा हाँ हाँ ठीक है ले वही तो चल माँ तुम या तो हाँ चल क्या देंगे देखो हम फिर आएंगे यार क्या बाजी में है ना चल माँ टाटा हाँ हाँ गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और मम्मी के घर से निकल गए हैं तब चलते हैं अब घर की तरफ तो गाइस आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ अपने घर से मतलब मम्मी के घर से गांव से अपने गांव से तो गाइस मामा जी भैया मेरे मामा जी लोग भैया लोग सब यहाँ पे चलो चाचा अच्छा मैं जाबे अच्छा चलो हाँ चाहे मैं माँ चाचे ताल लगी हूँ ओ तो हेलो हाई केयर इन केयर आई कुछ ही ना अच्छा बीड़ा माल मेरे मेरे तो गाइस ये हमारी चाची है चाची हाँ खुश रहो और ठीक है ना ठीक है चलो बाजी और चलिए बाजी चल तो गाइस गांव में सब मिल रहे हैं और सबको देख के रोना भी आ रहा है हे भगवान तो गाइस ये हमारे गांव का रास्ता है उस दिन मैं इस रास्ते नहीं आई थी आज आ रही हूँ इस रास्ते पे तो इस रास्ते ये हम बोलते हैं ये तेलखोल बोलते हैं मुड़खाल ये हमारा मुड़खाल का गांव है और एक हम कुछ ये यहाँ पे मंदिर है और आज का मौसम ऐसा बना हुआ है ये पुन तो पीछे है नहीं हा हा एक लड़की आनी चाहिए ये पता नहीं कौन है एक पुन भी कोई नहीं सब लोग गा सकूँ चलेंगे बरखा है क्या नमस्ते कक्षा तुम नमस्ते भाई नमस्ते 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 और ठीक एकदम फर्स्ट क्लास और चाची नमस्ते भाजी नमस्ते मैं तो ब्याल और आज जानो छ बरखा लग गया बरखा बरखा लग गया इदी लोग छ जो भूल जाके हां रे बोला बोला तीन ब्लॉग बड़ा मन के लेकर तैयार ब्लॉग का नहीं टूटा छ कि लेकर ब्लॉग बड़ा मन तैयार ब्लॉग में रोज दिखना छ पर गांव वालों लोग होता एक कम से कम ब्लॉग छ हमर गांव को भी बंद हो गया की मम्मी मारा इतना ये मारे तो नहीं छीने मारे छीन शुद्ध नमस्ते बाबा नमस्ते
मैंने आज कह दिन भड़े दिखना तुम तो एक ही अच वह संतोष चल गया हमारी भाभी जी अब भाजी खा गिन अकेला ये मेरे मामा जी का ससुराल है और ये उनका घर है, मामा जी के ससुराल का घर है। तो हमारे ही गाँव में मामा जी का भी ससुराल है दिवसा गांव में, तो मामा जी अपने ससुराल उनसे मिलके चले गए। हमारे गांव का भूमि देवता है, ये हो देवता जी की। और ये हमारे गांव है। और चाची नमस्ते, और ठीक ठाक? ठीक है, सब बढ़िया। आप लोग को आशीर्वाद। जाना घास घूम जाना चा? अच्छा, और घर में सब बढ़िया ना? अच्छा चलो टाटा बाय बाय। हाँ, और कुकू जो घर में आज कल, तो ये हमारा पूरा गांव है ऊपर से लेके नीचे तक। तो मामा जी बड़े वाले भैया नमस्ते पहचान नमस्ते नमस्ते क्या कतली तो अब ब्लॉक मामा जी तुम्हें बड़ा आने मेरे गाँव ये जान भाई क्या तो मैं अच्छा ना सब्सक्राइब कर चुनी कहाँ पेरे बताओ मैं छपा नमस्ते 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 और ठीक ठाक हाँ अच्छा। और ए मामा जी और अच्छे यार और ठीक हाँ बढ़िया। और सब 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 आई क्या दिन है ये तो कह मेरे भूलियो और क्या भूलियो कह मैं तैयारी जब मैं तो आ छोर चल गया और फिर आ गया। चरणजीवी रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। मामा जी हो रहे देखो फिर की लेके बला प्रकार नहीं आन मिन सदा सुहागन रहो। तो गाइस ये रहा हमारा नीचे वाला गांव, पूरा गांव हो गया खत्म द एंड। यहाँ से ये लोग भी चले गए होंगे घास उस पर अमरूद आते थे पहले, बहुत अमरूद खाते थे हम मर सारे। अभी कुंदन तो जान मार ये एक आधे कूड़े इधर भी है हमारे गांव के। और ये रहा हमारा गाड़ी में जाने का रास्ता, इधर इसको बोलते हैं पवा खोल। तो इधर से भी मिल जाएगा एक आध कूड़। तो पहले हमें जब खूब आते थे भाई काम करने के टाइम पे, हाँ बारिश भी लग गई, आज का मौसम भी बहुत ख़तरनाक हो रखा है, का मौसम भी बड़ा ख़तरनाक हो रखा है। और आज यहाँ पे पानी भी आ रहा है, खूब पानी लग रहे। तो आधे मकान यहाँ हैं हमारे गांव के लास्ट में, और उधर दिख रहा है चौंड गांव। तो इधर से नज़दीक है ना वहाँ जाने के लिए, रोड में जाने के लिए। तो इधर से तो फिसलन भरा रास्ता भी है भाई, अगर फिसले ना तो। गाइस आज फिर मम्मी के घर से जाने का फिर रोना धोना, वही बहुत ही दुख होता है मम्मी के घर से जाने से। आने में तो खुशी जितने में जाने में गम दुख भी होता है मम्मी से बिछड़ने का। तो आज मैंने पूरे गांव से आ गई हूँ घूम के, नहीं तो मैं शॉर्टकट निकल जाती हूँ और वो लोग तो निकल गए होंगे रोड में और मैं यहीं हूँ अभी। पर चलो कोई नहीं, निकलते हैं। तो बारिश लग गई है और गाड़ी हमारी नीचे खड़ी है, गाड़ी दिखाती हूँ। तो वैसे ये रहा भैया और मामा जी और चिट्ठी ये जा रहे हैं, और गाड़ी रही वो हमारी भैया की गाड़ी और मेरे भाई की गाड़ी वही थी। अरे यार तो भैया अंगूर काटने आते थे, घास काटने इसके नीचे यहाँ घास काटने जाते थे, कभी दिन था जमाना था। गाइस तो ये मेरे मामा जी देखो कितने बूढ़े हो गए हैं बेचारे, पर बहुत सुंदर है। मामा जी भैया सभी अच्छे हैं, बहुत सुंदर। वो हमारी गाड़ी नीचे है, अब मैं पहुँचूँगी उससे डाड़ा मंडी। ये लोग जाएंगे पाली, तो आज मैं पाली नहीं जाऊँगी इनके साथ, मैं जाऊँगी डाड़ा मंडी तक, डाड़ा मंडी। और फिर अरे यार बैग। गाइस
पहुंच गए हम रोड पे। अरे बरखा मौसम ये गाड़ी चलेगी ना थोड़ा सा हवा अच्छा अभी वो मैदी हाँ मामी हो रहा हाँ पर ठीक तो क्या बनाना मन हाँ उमा दिया है ना फिर हूँ क्या लीजिए ना बिस्कुट वगैरह कुछ लीजिए ना फिर ना हाँ क्योंकि अब मैं वो कमीज बारिश लग गई है और मैं हूँ अपने घर के रास्ते में। भैया लोग गए तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। तो फिर नए ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।